कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। पार्टी के अंदर गांधी परिवार की वफादारों की फौज है, लेकिन कुछ नेताओं को गांधी परिवार की चापलूसी रास नहीं आती है, लिहाजा पार्टी के अंदर हमेशा वर्चस्व की लड़ाई बनी रहती है। मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों ऐसा ही हुआ। पूर्व सीएम कमलनाथ सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। विधानसभा में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ को सीएम बना दिया गया, जबकि दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। नाराज सिंधिया ने पार्टी से बगावत कर ली और कांग्रेस का किला ढह गया। राज्य के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी गांधी परिवार के करीबी हैं और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के प्रति आस्था को दर्शाया है। दिग्विजय सिंह ने पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है, अपना हो या पराया, चाहे बेटा जयवर्धन सिंह हो या भाई लक्ष्मण सिंह, जो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में जाएगा उसे चुनाव हरवाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर मेरा बेटा जयवर्धन सिंह या भाई लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या किसी दूसरे दल में जाते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी पार्टी के हित में काम करूंगा। ऐसी परिस्थिति में जयवर्धन सिंह को भी राघवगढ़ से चुनाव हरवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दिग्विजय ने कहा कि उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने भी एक बार कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में चले गए थे, तब उन्होंने उनके खिलाफ भी काम किया था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस का झंडा लेकर आगे चल रहे दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ये बात कहकर पार्टी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई अब बाहर आ गई है। ऐसा कई बार हुआ है जब एलजेपी ने नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल उठाया है। कोरोना महामारी के दौरान भी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और राज्य के हालात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। नीतीश कुमार को पासवान फूटी कौड़ी भी नहीं सुहाते हैं और हमेशा से दोनों में तालमेल की कमी देखी गई है। हालांकि दोनों अभी एनडीए का हिस्सा हैं, बावजूद इसके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हालांकि इस बार एलजेपी और जेडीयू की लड़ाई बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है और इसी वजह से पार्टी ऐसा कर सकती है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुद्दे समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद चिराग पासवान ने एलजेपी के पटना कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक की। इस बैठक में ललन सिंह के बयान पर गंभीरता से चर्चा हुई। उसी बैठक के बाद कहा जा रहा है कि एलजेपी नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। गौरतलब है कि ललन सिंह ने हाल ही में चिराग पासवान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वो कालिदास की तरह एक पेड़ की उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं। इसके बाद एलजेपी नेता ने कहा कि ललन सिंह ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, हम नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एलजेपी के पास महज 2 सीटें हैं। हालांकि इससे सरकार पर अभी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एनडीए के दोनों दलों में मनमुटाव होता है तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिल सकता है। सुशांत सिंह की हत्या से शुरू हुआ विवाद अब एनसीपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। इस बार मामला अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का है। दरअसल पार्थ पवार ने एनसीपी और महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार से हटकर सुशांत सिंह हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर दी। इतना ही नहीं, पार्थ पवार राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर सिफारिश भी की थी। इसके बाद से राज्य में सियासत का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। पार्थ पवार के बयानबाजी से शिवसेना सदमे में पहुंच गई है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्थ को नादान बता दिया और उनकी बातों को तवज्जो नहीं देने की बात कही। इसके बाद से ही पवार परिवार में नाराजगी बढ़ गई है। इस मामले में पार्थ के पिता अजीत पवार की खामोशी सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अजीत पवार एक बार फिर एनसीपी के लिए बागी बन चुके हैं और चुपके से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बना चुके हैं। अब एनसीपी के नेताओं को पार्थ पवार से डर लग रहा है कि कहीं पार्थ भी बागी न बन जाए। इसी सिलसिले में एनसीपी के अंदर बैठकों मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। पार्टी में अजीत पवार के खासम खास समझे जाने वाले वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे ने शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार पुणे में मौजूद थे।
तटकरे और मुंडे की शरद पवार से हुई मुलाकात को राजनीतिक सर्कल में काफी महत्व दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अजीत पवार ने भले ही खुद इस मामले में मौन साध रखा है, लेकिन उनके दो करीबी लोगों ने अजीत पवार और पार्थ पवार की भावनाओं से शरद पवार को अवगत कराया है। वहीं मामले को लेकर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने कहा कि शरद पवार के बयान को लेकर पार्टी और परिवार में कोई नाराज नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हालांकि मामला अभी यहीं शांत नहीं हुआ। दो दिन पहले अपने दादा शरद पवार के बंगले पर अपनी बुआ सुप्रिया सूले के साथ करीब दो घंटे की मुलाकात के बाद पार्थ पवार ने एक रहस्यमय ट्वीट किया, जिसमें भगवान श्री गणेश की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, कोरोना के खिलाफ इस संकट पर मात करने के लिए हम सब हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, हम हार नहीं मानते, ये महाराष्ट्र की स्पिरिट है। राजनीतिक सर्कल में पार्थ के ट्वीट के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं, खासकर हार नहीं मानते वाले उनके वाक्य को उनकी चुनौती माना जा रहा है और इस ट्वीट के साथ भगवान गणेश की फोटो पोस्ट करने को पार्टी और परिवार की पॉलिटिकल लाइन से अलग नई राजनीतिक लाइन लेने के श्री गणेश का उद्घोष माना जा रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या शरद पवार के इतने सख्त रवैये के बाद पार्थ परिवार और पार्टी से बगावत कर अपनी कोई नई राजनीतिक लाइन चुनेंगे या फिर परिवार और पार्टी के साथी बने रहेंगे। वहीं इस मामले में अजीत पवार की खामोशी भी गठबंधन सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पवार परिवार आपस में उलझ गया तो इसका सीधा असर उद्धव ठाकरे की सरकार पर पड़ेगा और उसके बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी जा सकती है। देश विरोधी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस हमेशा सोशल मीडिया पर घिरी रहती है, यही हाल AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का है। ओवैसी और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों लोगों के निशाने पर रहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने फेसबुक और व्हाट्सएप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी और RSS का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और RSS पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी और RSS का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है, वो इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ऐसा ही आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को घेरा है। दिग्विजय ने ट्वीट किया है कि मार्क जुकरबर्ग कृपया इस पर बात करें। उन्होंने कहा कि PM मोदी के समर्थक अंकिदास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। वहीं इस मामले पर तेलंगाना के भूष महल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया कि फेसबुक ने बीजेपी नेता राजा सिंह की पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की। राजा सिंह ने कहा कि वो अपने प्रशंसकों द्वारा किए गए फेसबुक पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये विवाद बीजेपी नेता राजा की एक कथित फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है। असल में फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। हालांकि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी, ओवैसी और दिग्विजय सिंह सबसे ज्यादा नफरत फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।